नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉफिट मार्ट के यूट्यूब चैनल में। आइए अब देखते हैं किस तरह से हो सकता है कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में कारोबार। तो आज जैसे हमने देखा कि एक बहुत शानदार बढ़त मार्केट में देखी गई, निफ्टी में करीब 9,200 के आसपास का एक क्लोज आया है, जो कि ऑलमोस्ट 2% का एक आपने उसमें देखा गया आज। वही बैंक निफ्टी में भी करीब 19,700 के आसपास का क्लोज आया और जो 1.5% के आसपास की एक शानदार तेजी वहां भी देखी गई। सुबह आज जिस तरह से मार्केट ओपन हुए थे तो इतना कन्विक्शन नहीं लग रहा था, एक कोई रैली वाला दिन तो नहीं लग रहा था कि अच्छा कोई मार्केट करेंगे, ऐसा बिल्कुल अंदेशा नहीं था, क्योंकि ओवरनाइट क्यूज थोड़े खराब थे। यूएस मार्केट में भी वीक वाली देखी गई थी और क्रूड ऑयल में जिस तरह का सेल ऑफ हम देख रहे हैं लास्ट के 2 दिन से, तो वो देखते हुए आज लग रहा था कि आज भी एक स्लगिश काइंड ऑफ थोड़ा वीक सेशन देखने को मिलेगा। लेकिन सुबह मार्केट जिस तरह से ओपन हुआ तो वो देख के ही लग रहा था कि जितना अंदेशा एक्सपेक्ट कर रहे, जितना लोग ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वीक ओपनिंग होगा, उतना हुआ नहीं सुबह। और बाद में भी मार्केट में पूरे दिन भर एक बहुत शानदार बढ़त अपनी बनाए रखी। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी 9,200 का जो क्लोज है, तो पूरे दिन भर एक बुलिश अंडरटोन के साथ ट्रेड करता रहा। हालांकि इन बिटवीन थोड़े फ्लक्चुएशंस आए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में, लेकिन ब्रॉडली एक अंडरटोन जो था वो थोड़ा बुलिश बना हुआ था, वो थोड़ा ऊपर की तरफ बना हुआ था। इसका एक रीजन ये भी लग रहा है कि कल वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी है और उसके चलते ट्रेडर्स को कोई बहुत ज्यादा शॉर्टिंग के लिए मौके ढूंढ नहीं रहे थे। इस तरह का एक इंडिकेशन आज मार्केट की मूवमेंट को देख के लग रहा है, तो कल देखना पड़ेगा एक एक्सपायरी वाला सेशन किस तरह से पैन आउट होता है। तो टेक्निकल की जहाँ तक बात है तो निफ्टी का भी एक लास्ट के 2 दिन से अगर हम देखें तो 9,000 के आसपास का एक बहुत शानदार एक सपोर्ट उसका निकल के आ रहा है, और 9,000 के बहुत ज़्यादा नीचे निफ्टी टिक नहीं पा रहा है, क्योंकि वो जैसे ही उस लेवल की तरफ उसका अटेम्प्ट होता है तो एक अच्छा खासा बाइंग उसमें देखा जाता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि लास्ट के कुछ दिनों से निफ्टी ऊपर में 9,350 9,400 इस जोन को भी टेकआउट करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो एक एक रेंज बना हुआ है निफ्टी का। तो ब्रॉडली जिस तरह से हमने देखा कि 8,900 का एक बहुत अहम सपोर्ट है निफ्टी के लिए इमीडिएट टर्म में अगर हम बात करें तो 8,900 के नीचे अगर निफ्टी का कोई क्लोज आएगा तो ही फिर हम एक फर्दर वीकनेस की बात निफ्टी में करेंगे, तो इन दैट केस फिर आगे और डाउनसाइड टारगेट्स ओपन हो सकते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग 8,900 एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन निफ्टी के लिए उभर के आया है। लास्ट के 2-3 सेशंस की अगर हम मूवमेंट देखें तो वो एक सपोर्ट ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा वहाँ से बाउंस बैक मिल रहा है। एवरी टाइम मार्केट जब उस जोन में जाता है तो 8,900 9,000 उस जोन से एक बाउंस बैक शार्प रिकवरी आ जाता है मार्केट में। तो कल के लिए भी लग रहा है कि मार्केट में 9,000 के बहुत नीचे जाने की कोई उम्मीद लग नहीं रही है, बशर्ते अगर कोई बहुत खराब न्यूज ना आ जाए ओवरनाइट। तो ब्रॉडली 9,000 9,050 का जोन मार्केट बिल्कुल होल्ड करेगा कल। इसी तरह का एक उसका रुझान लग रहा है मार्केट का मूवमेंट देखते हुए, और ऊपर की तरफ मार्केट का जो एक रेजिस्टेंस बनेगा वो अराउंड 9,400 440 इस रेंज में आएगा। तो ब्रॉडली कल का एक थोड़ा सा रेंज बाउंड सेशन कह सकते हैं कि जहाँ एक 9,050 से लेके 9,100 का एक सपोर्ट जोन होगा निफ्टी के लिए, और ऊपर में 9,400 440 समवेयर वो एक रेजिस्टेंस जोन होगा जिसके ऊपर निकलने में निफ्टी को कुछ ज़्यादा ही मशक्कत करनी पड़ सकती है। लेकिन कल जैसा हम जानते हैं कि कल एक्सपायरी है, तो ब्रॉडली ये एक रेंज लग रहा है जिसको ट्रेडर्स प्ले कर सकते हैं। तो जब उस रेंज के जितना लोअर रेंज पे हमको मिले तो खरीदारी का मौका उसमें ढूंढना चाहिए, और ऊपर रेंज के 9,400 400 के ऊपर अगर थोड़ा भी चलता है बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी, तो फिर एक वहाँ पे अपने प्रॉफिट्स बुक करके ट्रेडर्स को फिर एक मौका देखना चाहिए या दूसरे कोई ट्रेड्स के लिए। लेकिन ब्रॉडली एक ये रेंज लग रहा है कल के लिए जहाँ तक निफ्टी का सवाल है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में आज
19,700 का एक अच्छा क्लोज मिला है, 1.5% का एक बढ़त उसमें देखी गई, शानदार बढ़त थी। और नीचे की तरफ लास्ट के 2-3 सेशंस की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी जब भी 19,000 और 19,200 इस रेंज में आता है तो वहां से एक अच्छा खासा एक बाइंग इमर्ज होता है, और उसके बहुत डिसाइसिवली नीचे बैंक निफ्टी जा नहीं पा रहा है। हालांकि बेयर्स ने बहुत ट्राई किया है लास्ट के 2-3 सेशन में कि 19,000 के नीचे बैंक निफ्टी को पुश किया जाए, लेकिन वो उसमें कामयाब होते हुए नहीं दिखे। तो वो एक अच्छा एक सपोर्ट के तौर पे उभर के आया है। तो ब्रॉडली कल के लिए भी यही एक जोन है जो अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, तो हम इनफैक्ट उसको थोड़ा और ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं। 19,200 की बजाय हम 19,300, 19,350 ये एक जोन है जो कंफर्टेबली सपोर्ट के तौर पे कल काम करेगा ऐसा लग रहा है। और जहाँ तक एक उसका रेजिस्टेंस का सवाल है तो बैंक निफ्टी का 20,445 के आसपास एक गैप है, जो कल जिस तरह का एक गैप डाउन अपनी हमने देखा था, तो उस गैप डाउन में एक प्राइस गैप क्रिएट हुआ है जो अराउंड 20,445 के आसपास है। तो कल जिस तरह का हम जानते हैं कि एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, पूरी पूरी संभावना लग रही है कि अगर ओवरनाइट क्यूज अगर ठीक ठाक मिलता है ग्लोबल क्यूज, तो मार्केट में बैंक निफ्टी पूरी एक कोशिश कर सकता है कि 20,400, 20,500 इस जोन को एक टेस्ट करे और वो प्राइस गैप को फील करे, ऐसी एक कोशिश जरूर कल हो सकती है। तो ब्रॉडली थोड़ा सा बुलिश अंडरटोन लग रहा है कल के लिए। तो बैंक निफ्टी का जो रेंज रहेगा ऑन द डाउन साइड में 19,300, 350 एक उसका एक सपोर्ट रहेगा। ऊपर की तरफ उसका एक पहला एक रेजिस्टेंस जो बनेगा 20,100 के आसपास, और अगला रेजिस्टेंस अराउंड 20,450, 20,500 ये का जोन आएगा। तो ब्रॉडली थोड़ा बुलिश अंडरटोन ही लग रहा है कल के लिए। तो देखते हैं कल वीकली एक्सपायरी किस तरह से पैन आउट होती है, लेकिन अंडरटोन बुलिश रहेगा कुछ ऐसे इंडिकेशन एटलीस्ट टेक्निकली मिल रहे हैं लास्ट के 1-2 सेशन को देखने के बाद।